गाइस ध्यान देके बढ़िया से देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि आज के टॉपिक के अंदर अल्कोहल हम किस किस मेथड से बना सकते हैं ये अभी देखेंगे। तो अल्कोहल बनाने की कई सारी मेथड हैं। अपने जो सिलेबस में टेक्स्ट बुक के अंदर दिया, अपना सिलेबस यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 2020 का जो नया सिलेबस आया उसके अंदर जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल दी है बेसिकली हम वो पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि अल्कोहल बनाने की बेसिकली पहले कितनी मेथड है। 1, 2, 3, 4 मेथड आपको दिखाई दे रही होंगी। कई इस चारों मेथड में सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और ब्रैकेट में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मैंने हाइड्रोलिसिस भी लिखा हुआ है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड के साथ साथ मैंने यहाँ हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरी वाली मेथड जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन भी क्या होता है गाइस अभी थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तीसरी वाली जो मेथड है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। चौथी वाली जो मेथड है भाई हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और इस चौथी वाली मेथड के अंदर आपको तीन और सब मेथड दिखेंगी जिसके अंदर हम रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, फिर रिडक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एडिशन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर और उससे हम अल्कोहल बनाएंगे। तो गाइज बेसिकली अल्कोहल बनाने की हमने कितनी मेथड अभी देखी हुई है, टोटल चार मेथड देखी है। इन चारों मेथड को अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो उसके पहले डिटेल में आगे जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप ये पूरे चार मेथड के नाम पहले लर्न कर लो, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर आप चाहते हो कि आप लर्न करो तो उसका पहले नाम आपको पता होना चाहिए। नाम ही आपको ज्यादातर जानकारी दे देता है। जैसे कि आप देखो पहले वाली रिएक्शन का नाम है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, मतलब एक रिएक्टेंट आपका कंफर्म हो गया, एक रहेगा आपका अल्काइल हैलाइड। जैसे दूसरी वाली रिएक्शन है जिसके अंदर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मतलब अल्कीन का एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करना है, यानी कि एक रिएक्टेंट अल्कीन हो गया, दूसरा एसिड कैटालिसिस, यानी कि एसिड तो डेफिनेटली उसके अंदर आएगा ही। फिर उसके बाद तीसरी वाली रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, उसके अंदर भी अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है, मतलब एक रिएक्टेंट आपका अल्कीन हो गया। चौथी रिएक्शन के अंदर देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड गाइस, तो इसके अंदर एक रिएक्टेंट आपका कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा, ये कंफर्म हो जाता है। तो गाइस इस तरीके से मेथड का नाम ही अपने को बता देता है कि हमारी मेथड के अंदर रिएक्टेंट कौन सा रहने वाला है। तो सबसे पहले सारे मेथड के नाम लर्न कर लो, जल्दी जल्दी मुझे क्विक फास्ट तरीके से बता दो। पहली वाली मेथड का नाम क्या था भाई, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर टोटल कितने मेथड है? चार। पहली वाली मेथड का नाम है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय हाइड्रोलिसिस, दूसरी वाली मेथड का नाम है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तीसरी वाली मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, चौथी वाली मेथड का नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर तीन सब मेथड आती है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, फिर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो गाइस ऐसे चार मेथड अभी हम डिटेल में देखेंगे, इसलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाली मेथड से। सबसे पहली वाली मेथड जो अभी हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में वो है हमारी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और साथ ही में उसका दूसरा नाम भी हाइड्रोलिसिस है। अब हाइड्रोलिसिस क्यों इस्तेमाल किया बताता हूँ, देख लीजिए गाइस। पहली वाली मेथड है हमारी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और इसी को कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस। अब पहले तो आपको बता दो हाइड्रोलिसिस का यहां पर क्या मतलब है, वैसे अलग अलग मतलब होते हैं उसके, इस रिएक्शन के अंदर उसका क्या मतलब है वो जानने के पहले सबसे पहले गाइस अपन रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है हमारी आर एक्स। आप बोलेंगे सर आर एक्स क्यों लिखा, अरे भाई आर का मतलब अल्काइल, एक्स का मतलब हैलोजन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बोला था तो एक रिएक्टेंट तो हम अल्काइल हैलाइड ले ही लेंगे, तो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। फिर उसके बाद बोले हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर कि वाटर मॉलिक्यूल के मदद से, यानी कि वाटर के इस्तेमाल करके, वाटर का उपयोग करके हम अगर किसी कंपाउंड के बॉन्ड तोड़ रहे हैं, जैसे कि हमें अल्काइल हैलाइड के अंदर अल्काइल ग्रुप के कार्बन का, अल्काइल ग्रुप के कार्बन का और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ना है, तो अगर आसानी से ब्रेक नहीं होता तो उसके लिए अगर हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर वाटर का इस्तेमाल करके कंपाउंड्स के बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं ऐसे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे गाइस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेंगे। इसके अंदर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन देख लीजिए, मैं कर सकता हूँ या तो NaOH के साथ, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, एक्वस वाला कंपल्सरी। एक्वस मतलब NaOH को पानी के अंदर लेना है, जब बेस वाटर के अंदर आ जाएगा तो उसको हम अल्कली कह देंगे। अगर मैं एक्वस NaOH नहीं लूंगा तो यहाँ पे बॉन्ड शायद ब्रेक नहीं हो पाएंगे। और इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है, अगर मैं एक्वस की जगह अल्कोहलिक NaOH लेता हूं तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। एलिमिनेशन मतलब अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करके अल्कीन बना देता है। हमें अल्कीन नहीं अल्कोहल बनाना है, इसलिए हमने NaOH कौन सा लिया हुआ है, एक्वियस वाला NaOH लिया है।
एक्वियस वाला एनएच मतलब एनएच को पानी के अंदर मिला के ले लिया, बस इस रिएक्शन को हीट दे देना है, एनएच का ओएच जो है आपके एक्स को रिप्लेस कर देगा और अपने को मिलेगा आर ओ एच, और ये एक्स निकलेगा एनए के साथ जाएगा एनए एक्स बना देगा गाइस। ये पहला एग्जांपल, तो हमने जनरल रिएक्शन लिख लिया, एग्जांपल अभी देखेंगे। दूसरा इसी के अंदर गाइस हम कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, के ओ एच के साथ भी कर सकते हैं, अगेन के ओ एच आपको एक्वस लेना पड़ेगा, हीट दे के रिएक्शन करेंगे, ये के ओ एच का ओ एच आपके हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, आपको बना देगा आर ओ एच प्लस आपका बाई प्रोडक्ट रहेगा के एक्स। इसी के एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। पहला वाला ये तो जनरल रिएक्शन थी, पहले वाली रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे। इसमें आर यानी कि अल्काइल ग्रुप मान लीजिए मैंने CH3 लिया हुआ है, एक्स हैलोजन मैंने Br लिया, तो मैं इसको कहूंगा मिथाइल ब्रोमाइड। भाई मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैं NaOH के साथ कर रहा हूँ, एक्वियस वाले हीट दे रहा हूँ, एक्वियस लिया मतलब पानी है उसके अंदर, वाटर है, वाटर के साथ NaOH लिया है, इसी वाटर की मदद से कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा। फिर आपका जो OH नेगेटिव पार्ट है, OH नेगेटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट Br को रिप्लेस करेगा और अपने को यहाँ पे CH3OH मिलेगा, और भाई ये BrNa के साथ जाके NaBr बना देगा। तो बेसिकली हमने रिएक्टेंट लिया हुआ था मिथाइल ब्रोमाइड, उसका एक्वस एनएओएच के साथ रिएक्शन करके हमें मिथाइल अल्कोहल मिला। क्या मिला गाइस? मिथाइल अल्कोहल। दूसरा एग्जांपल इसका ले लेते हैं, वो है मैं C2H5I लेता हूँ, C2H5I को मैं कहूंगा इथाइल आयोडाइड। भाई इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन अगर मान लो मैं KOH के साथ करता हूँ, किसके साथ क्या गाइस, मैंने KOH कौन सा वाला लिया, मैंने एक्वियस वाला, एक्वियस वाले KOH के साथ इसकी रिएक्शन करूंगा, हीट दे के रिएक्शन कर दूंगा, वाई KOH का जो OH है वो आई को रिप्लेस कर देगा, और KOH का OH आई को रिप्लेस करके तुमको क्या देगा, C2H5OH, और आपका आई निकल के साथ कंबाइन होकर क्या करेगा, के आई बना देगा। तो इस रिएक्शन के अंदर मैंने रिएक्टेंट लिया था इथाइल आयोडाइड, जिसकी KOH के साथ रिएक्शन की एक्वस वाले, OH ने आई को रिप्लेस कर दिया और मुझे इथाइल अल्कोहल मिला और के पोटेशियम आयोडाइड मिल गया। तो इस तरीके से गाइज ये हमारा पहला रिएक्शन था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में से। अब रिएक्शन दूसरी जो आपको याद होगा, आई होप कि आपको नाम उसका याद होगा और आप भूले नहीं होंगे, जल्दी जल्दी मुझे बता दो क्या नाम था गाइज दूसरी रिएक्शन का। तो दूसरे रिएक्शन का हमारा नाम था बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। देखिए नाम ही सब कुछ बता देता है, मैंने आपको पहले बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं, नाम देख लीजिए क्या है, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो गाइस हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या करना है, ध्यान देके बढ़िया से देख लो, नाम के अंदर ही सब कुछ दिया है, एक रिएक्टेंट तो अल्कीन रहेगा, आप समझ गए, क्योंकि अल्कीन का ही एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करना है, तो एक रिएक्टेंट अल्कीन है, दूसरा एसिड एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करके हाइड्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर करना है। इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, ध्यान देके देखना, ये रिएक्शन जानने के पहले थोड़ा अल्कीन के बारे में जान लेते हैं गाइस। देख लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है अल्कीन के अंदर, और यहां मान लीजिए कि एच 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 है, ये सिर्फ हमारा अल्कीन हो गया नॉर्मल अल्कीन। अगर इन चार एच में से किसी एक एच की जगह पे अगर अल्काइल ग्रुप आता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे मैंने मिथाइल लिया हुआ है, अगर मान लो इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल एक्साइल कोई भी है, कहीं पर भी, यहाँ 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 अगर कहीं पर भी एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो पहले एच 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 थे, एक एच की जगह पे मान लीजिए कि एक अल्काइल ग्रुप आ गया, एक एच की जगह पे अगर एक अल्काइल ग्रुप आया है, मतलब ये अल्कीन अभी हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। क्या कहेंगे गाइस इसको, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। लेकिन जरूरी बात यह है कि जो अल्काइल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन यानी कि अनसेचुरेटेड कार्बन पर ही आना चाहिए। दूसरा गाइस मैं दूसरा यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए दो अल्काइल ग्रुप आ गए, तो मैं इस अल्कीन को क्या कहूंगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अगर तीन आ जाते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और ये चार आ जाते हैं तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर इसका बहुत काम पड़ने वाला है। तो गाइस एक बार फिर से मुझे बता दो कि अगर आपको किसी ने पूछा कि अल्कीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई टेट्रा क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे गाइस, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉर्मल अल्कीन है, यहाँ पे हमारा एच एच होता है, ये सिर्फ अल्कीन है, इसमें से कहीं पर भी मान लो यहाँ पर अगर एक अल्काइल ग्रुप आ गया तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहलाएगा, अगर दो आ जाते हैं तो गाइस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, तीन आ जाते हैं तो टेट्रा ट्राई, और तीन आ जाते हैं तो टेट्रा, एक आता है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दो आते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, तीन आते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, चार आते हैं तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इस तरीके से गाइस हम अल्कीन को डिफाइन करेंगे। अब अल्कीन, इन सारे अल्कीन का इस रिएक्शन के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा काम पड़ने वाला है,
तो गाइज आप थोड़ा ध्यान देके बढ़िया से देख लो कि इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले जैसे कि उन्होंने कहा है बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। इस रिएक्शन के बारे में बता दूं, ये रिएक्शन बेसिकली सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सा अल्कोहल? तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए ही इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गाइज इसमें एक अल्कोहल ऐसा है, प्राइमरी अल्कोहल जो प्रोड्यूस होता है वो है आपका इथाइल अल्कोहल। तो ये इथाइल अल्कोहल एकमात्र अल्कोहल है जो इस रिएक्शन से बनता है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। अदरवाइज इस रिएक्शन से सारे अल्कोहल जो बनेंगे वो या तो सेकेंडरी रहेंगे या फिर टर्शरी रहेंगे। तो बेसिकली दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर ओनली वन प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल। इस अल्कोहल के अलावा इस रिएक्शन के अंदर हम कोई और प्राइमरी अल्कोहल बना नहीं सकते। तो फिर अगर अपने को बनाना है तो वो कौन सा अल्कोहल रहेगा? वह तो सेकेंडरी रहेगा या फिर टर्शरी रहेगा। तो बेसिकली ये रिएक्शन सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये रिएक्शन परफॉर्म हम दो स्टेप के अंदर करेंगे, ध्यान देके देख लेना गाइज। ये सबसे पहले है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मैंने अल्किन लिया हुआ है। अब जैसे कि आप इस अल्किन के अंदर देख पा रहे होंगे दो कार्बन है, इसलिए हम इथ कहेंगे, डबल बॉन्ड है इसलिए ई यानी कहेंगे, तो मैंने इथिन ले लिया। अब इथिन का रिएक्शन मैं पहली स्टेप में करूंगा H2SO4 के साथ। गाइज मैं H2SO4 को लिख कैसे रहा हूं आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब H2SO4 तो होता है आपका ऐसा, तो बिल्कुल नहीं होता है सर। आपने ऐसा कैसे लिखा? अब मैं स्ट्रक्चर बता दूं आपको H2SO4 का, ऐसा होता है। अब H2SO4 आपको बहुत अच्छे से मालूम है एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड है, दो एच डोनेट कर सकता है, एक भी कर सकता है। इस रिएक्शन के अंदर देखो, अगर मान लो इसने अपना पहला एच डोनेट कर दिया तो एच और ओ का जो बॉन्ड है, एच और ओ के बॉन्ड में ओ की निगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ओ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट होकर ओ के ऊपर माइनस आएगा, यहां से एच प्लस निकलेगा। ये एच प्लस अगर निकल जाएगा तो इतना जो ग्रुप बचा हुआ है इसको क्या लिखेंगे? ओ एस ओ थ्री एच, ओ एस ओ थ्री एच, ओ एस ओ थ्री एच, इस तरीके से लिखा और एच प्लस अलग। इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैंने एच टू एसओ फोर को लिखा है एच प्लस ओ एस ओ थ्री एच। यहाँ पे हमने एच टू एसओ फोर लेना है कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाला एच टू एसओ फोर ले लेंगे। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाले एच टू एसओ फोर के साथ मैं अल्किन की रिएक्शन कर रहा हूँ। आपको गाइस पता ही है क्या होने वाला है, बहुत अच्छे से एच टू एसओ फोर एसिड है, एसिड क्या डोनेट करता है एच प्लस। और एच प्लस के बारे में हमेशा याद रखिए, एच प्लस एकदम इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है क्योंकि एच के पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और वो जब एच प्लस बन जाता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है। एच के पास बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब वो एच प्लस बन जाता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है, इसलिए वो एच आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। अब उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए अगर उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अक्सर वो दो जगह पर ज्यादा अटैक करता है। एक तो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा, या फिर दूसरी लोन पेयर लेने के लिए अटैक करता है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर या फिर लोन पेयर के ऊपर हमेशा एच प्लस अटैक करता है, गाइस याद रखिएगा। अब यहां पे आपको एच प्लस दिखाई दे रहा होगा, ये इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड कहीं पर भी शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल अल्किन है। अब सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल अल्किन आए हो आपको याद होगा वो क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है यानी कि अनसेचुरेटेड कार्बन, इस अनसेचुरेटेड कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इस अनसेचुरेटेड कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए ये अल्कीन आपका सिमेट्रिकल है। अगर मान लीजिए कि इसके पास दो हाइड्रोजन होते हैं और इधर तीन होते हैं, दोनों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, या फिर इसके पास एक होता है इसके पास दो होता, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होते, तब उस अल्कीन को हमने क्या कहा होता? अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहा होता। फिलहाल दोनों कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दो दो हाइड्रोजन है, इसलिए ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर जब H2SO4 आपका अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। मान लीजिए कि मैंने डबल बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट किया हुआ है, इस वाले कार्बन पे, पहले वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो अगर मैं डबल बॉन्ड को पहले वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दूंगा तो गाइस रिएक्शन आपको कैसे दिखेगी आप ध्यान देके देख लीजिए। इस रिएक्शन के अंदर आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, अगर डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो जिस कार्बन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और इसने अपना बॉन्ड दिया इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब एच प्लस ने अटैक क्यों किया था इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, अब इसने अटैक करा बॉन्ड को शिफ्ट किया, इसके ऊपर बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, मतलब बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपका एच प्लस ले लेगा, यहाँ एच प्लस आएगा, एच प्लस दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कार्बन अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसलिए कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। इस कार्बन पे पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, इस एच प्लस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आएगा माइनस, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। तो गाइस क्या हुआ एक बार फिर से बता दो, पहली वाली स्टेप के अंदर सबसे पहले H2SO4 का जो H प्लस है उसने डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक किया, बॉन्ड किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, मान लो इधर शिफ्ट हो गया बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज के साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन H प्लस ले लेगा,
एच प्लस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, पहले था प्लस प्लस माइनस कैंसिल, और एच सी ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, पहले था माइनस प्लस माइनस कैंसिल। उसके अलावा भाई ये जो ग्रुप बचा हुआ है ओ एस ओ थ्री एच, ओ एस ओ थ्री एच ये निगेटिव ग्रुप है और यहाँ कार्बन प्लस है तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे ओ एस ओ थ्री एच, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन लेके और चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। ये पहली स्टेप के अंदर गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बना, ये सी के साथ तीन एच है यानी कि सी एस थ्री, सी के साथ दो एच है यानी कि सी एच टू, सी एस थ्री सी एस टू को हम क्या कहते हैं इथाइल, सी एस थ्री सी एस टू, और ये एस ओ थ्री ओ, एस ओ थ्री ओ को हम एस ओ फोर भी कह सकते हैं और ये एच है तो ये हमारा सी एस थ्री सी एच टू एच यानी कि हाइड्रोजन, ये एस ओ फोर यानी कि सल्फेट, तो हमारा बनता है पहली स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो गाइज पहली स्टेप के अंदर हमारा जो कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब बहुत ही आसान है, अगले स्टेप के अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर वाटर का एडिशन करेंगे, इसको हीट देखें, इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर मैंने किसका एडिशन करा हुआ है वाटर का, गाइस ये स्ट्रक्चर मिटा देता हूं, इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर मैंने किसका एडिशन किया वाटर का एडिशन किया, वाटर का एडिशन कैसे करूंगा हीट देकर, सॉरी एच प्लस हीट देकर वाटर का एडिशन करूंगा, वाटर का एडिशन आप या तो एसिड के प्रेजेंस में कर सकते हैं या हीट देकर भी कर सकते हैं, तो मैं वाटर का एडिशन करूंगा और वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वाटर में H प्लस एन ओ एच माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होते हैं, नेगेटिव पार्ट जो है नेगेटिव पार्ट ओ एस ओ थ्री एच को रिप्लेस करेगा और हमें क्या कंपाउंड मिल जाएगा गाइस, तो ये सी एच थ्री था ये लिख दिया तो इतना सी एच थ्री, फिर ये सी एच टू था सी एच टू लिख दिया और ये ओ एस ओ थ्री एच है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा नेगेटिव पार्ट ओ एच आएगा, ओ एस ओ थ्री एच बाहर निकलेगा एच प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा और फिर से क्या बना देगा हमारा एच टू एस ओ फोर, इस तरीके से सी एस थ्री सी एस टू एच यानी कि गाइस हमने क्या बना लिया है इथाइल अल्कोहल, जो हमारा कौन सा अल्कोहल था प्राइमरी अल्कोहल, तो ये एकमात्र प्राइमरी अल्कोहल इस रिएक्शन से बनता है। आगे अगर हम देखेंगे कोई और अल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा बिल्कुल भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा नहीं, आप देख लीजिए अगले एग्जाम्पल के अंदर, अगला एग्जाम्पल गाइस आपके सामने अभी मैंने लिया था इथीन, अब मैं दूसरा अल्कीन लूंगा वो है हमारा सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एस थ्री सी एच टू, अब ध्यान से देखना इसको, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इस पे यहां एक हाइड्रोजन है तो एक अल्काइल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है, अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप आ रहा है इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो जाएगा पहली चीज, दूसरी चीज डबल बॉन्ड वाले यानी कि अनसेचुरेटेड कार्बन जो है इस अनसेचुरेटेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस अनसेचुरेटेड कार्बन के पास दो है, मतलब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है इसलिए सिमेट्रिकल नहीं बल्कि असिमेट्रिकल अल्कीन कहलाएगा। इस असिमेट्रिकल अल्कीन का अगेन पिछले रिएक्शन में जैसे एग्जांपल में हमने देखा था सेम उसी तरीके से H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे और गाइस H2SO4 को हम लिखेंगे कैसे है H प्लस एंड OSO3H माइनस, ये अल्कीन में तीन कार्बन है इसलिए मैं प्रोप कहूंगा, डबल बॉन्ड है इसलिए यानी प्रोपीन है हमारा, अगेन हमेशा की तरह क्या करेंगे सिंपली रिएक्शन जब करेंगे तो वही अब यहाँ पे एडिशन हमेशा की तरह एसिड का एच प्लस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, गाइस डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा आप सीधी तरीके से याद भी रख सकते हैं, मार्कोनी का रूल से आप एच टू एसओ फोर को इसमें ऐड कर दो, अगर मार्कोनी का रूल से ऐड करेंगे तो निगेटिव पार्ट है आपका ओ एसओ थ्री एच ये इस कार्बन को लगेगा क्योंकि इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऐसा कर दो या फिर थोड़ा समझना ही है डिटेल में तो देख लो ऐसा क्यों होता है, तो एसिड का एच प्लस गाइस यहाँ पे अटैक करेगा, एसिड का एच प्लस जब अटैक कर देगा यहाँ पे तो बॉन्ड शिफ्ट करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, ये बॉन्ड को इधर ही शिफ्ट करेगा, क्यों इधर शिफ्ट करेगा क्योंकि इधर बॉन्ड शिफ्ट होने से यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस मतलब ये कार्बन दो कार्बन को लगा भाई सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है इसलिए रिएक्शन बॉन्ड को इधर ही शिफ्ट करेगा, अगर सर इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस, यहाँ प्लस आ रहा है तो ये कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन है और प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल होता है इसलिए रिएक्शन मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाने के लिए बॉन्ड को सी एच टू की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो गाइस क्या किया हमने रिएक्टेंट लिया हुआ है प्रोपीन, प्रोपीन की रिएक्शन हम एच टू एसओ फोर के साथ करेंगे, एच टू एसओ फोर मेरा एसिड है जिसको लिखा कैसे एच प्लस ओ एसओ थ्री एच माइनस, एसिड का एच प्लस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा बॉन्ड इधर ही शिफ्ट होगा सी एच टू की तरफ, क्यों शिफ्ट होगा क्योंकि इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, प्लस आने से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा जो कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, फिर यहां बॉन्ड शिफ्ट करने के बाद गाइस देख लेते क्या होता है अभी, तो ये हमारा सी एच थ्री ये सी एच और ये सी एच टू, बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से माइनस यहाँ क्या आ गया गाइस प्लस, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया इधर माइनस, माइनस के साथ एसिड का बॉन्ड लग जाएगा एच प्लस, एसिड का एच प्लस उसको लग गया और ये सर जो प्लस आ गया सी एच प्लस इसके साथ कौन लगेगा हमेशा की तरह ओ एसओ थ्री एच लग जाएगा, कौन लग जाएगा
OSO3H, नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये प्लस वाला क्या। अगर आप चाहते हैं कि इतना डिटेल में नहीं आपको याद रखना, सीधा याद रखो अल्किन के अंदर जब H2SO4 का एडिशन करेंगे तो मार्कोनी को प्रोन से एडिशन करेंगे, यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट H2SO4 का नेगेटिव पार्ट यानी कि OSO3H लग जाएगा इस कार्बन को, क्योंकि इसके बस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और एच प्लस लग जाएगा इस कार्बन को, ऐसे भी आप याद रख सकते। अगली वाली स्टेप के अंदर गाइस क्या करना है, सिंपल हीट देके वाटर का एडिशन करेंगे। आपको अच्छे से मालूम है वाटर के अंदर एच प्लस ओ एच माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होता है, और आपका जो नेगेटिव पार्ट ओ एच है, नेगेटिव पार्ट किसको रिप्लेस करेगा, ओ एस ओ थ्री एच को, और उसके जगह पे नेगेटिव पार्ट आने से सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री, और यहाँ गाइस आ जाएगा आपका ओ एच। और आपको अच्छे से मालूम है यहाँ ओ एस ओ थ्री एच निकला बाहर, एच के साथ जाके क्या बना देगा, एच टू एस ओ फोर। ये जो अल्कोहल है हमारा, इस अल्कोहल को ध्यान से देखना, इसका नाम है, इतने ग्रुप को तो हम नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़े हुए क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल, एंड ओएच है इसलिए अल्कोहल कहेंगे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में ओएच ऐसे कार्बन को लगा है जो दो कार्बन को लगा है, यानी कि सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन को ओएच लगा है, इसलिए हमारा कौन सा अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले, इस रिएक्शन से एकमात्र प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बनता है, उसके अलावा बाकी सारे अल्कोहल या तो सेकेंडरी रहेंगे या फिर टर्शियरी रहेंगे, और कोई प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के अलावा इस रिएक्शन से बनता नहीं है। तो गाइस ये दूसरा एग्जांपल था, इसके बाद तीसरा एग्जांपल ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है तीसरा। अब तीसरा एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर आप अगेन सोच रहे होंगे, सर आप H2SO4 लेंगे पहली स्टेप में हमेशा की तरह, नहीं लूंगा, अब मैं डायरेक्ट वाटर का एडिशन करूंगा एसिड के प्रेजेंस में। फिर आप बोलेंगे सर वाटर का एडिशन एसिड के प्रेजेंस में, बेसिकली मैंने वाटर का एडिशन एसिड के प्रेजेंस में नहीं किया है, मैंने देखो एसिड लिया हुआ है, कौन सा एसिड लिया हुआ, डाइल्यूट एसिड, अगर मैं डाइल्यूट एसिड लेता तो उसमें तो वाटर होता ही है, अगर मैंने डाइल्यूट एसिड लिया हुआ है तो उसके अंदर वाटर तो रहेगा, तो इस वाटर का जो बॉन्ड है आपका एच प्लस एंड ओ एच माइनस वाला, ये वाटर की वजह से ब्रेक हो जाएगा। एंड बाय द वे रिएक्शन का नाम भी हमारा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मतलब एसिड एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा और अल्कीन का हाइड्रेशन यानी कि उसके अंदर एडिशन ऑफ क्या होगा, वाटर होगा। रिएक्शन का नाम है हमारे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, यानी कि गाइस इसके अंदर क्या होगा कि एसिड कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा और हाइड्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर होगा अल्कीन के अंदर। इस रिएक्शन में बहुत ही सिंपल तरीके से है, पहला तो सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने इसको H2SO4 के साथ क्यों नहीं रिएक्ट किया, कारण बता देता हूं कि ये जो अल्कीन है, इस अल्कीन में ध्यान से देखना, ये कार्बन के ऊपर कोई एच नहीं है, दो अल्काइल ग्रुप है और इस कार्बन के ऊपर दो एच है, तो इस कार्बन के ऊपर दो अल्काइल होने ग्रुप होने की वजह से इस कार्बन को या फिर इस पूरे अल्कीन को हम डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहेंगे, क्योंकि इस अल्कीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दो अल्काइल ग्रुप है, इसलिए हम इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहेंगे। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बनाता है ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है। जैसे कि हमने पहले देखा था, सबसे पहली रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता था इथीन वाली रिएक्शन में, वो था प्राइमरी कार्बोकैटायन। दूसरी रिएक्शन के अंदर हमने देखा था, जिसके अंदर प्रोपीन हमने रिएक्टेंट लिया था, उसके अंदर जो इंटरमीडिएट था वो था हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और गाइस अब ये तीसरी जो रिएक्शन रहेगी, इसके अंदर जो इंटरमीडिएट रहेगा वो रहेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। और रिएक्शन जिस इंटरमीडिएट को बनाती है, अगर वो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है तो वो रिएक्शन करने में खुद रिएक्टेंट ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, रिएक्टेंट खुद ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए मुझे पहली स्टेप में उसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डाइल्यूट H2SO4 ले लो, यानी कि डाइल्यूट एसिड, H प्लस का मतलब एसिड है और वाटर आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब एसिड मैंने डाइल्यूट लिया हुआ है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो होगा कि एसिड की वजह से वाटर का डिसोसिएशन होगा एच प्लस ओ एच माइनस में, और मार्कोनी का रूल से मैंने आपको बताया था एडिशन कर दो, या फिर डिटेल में समझना है मार्कोनी का रूल से अगर एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये ओ एच इस कार्बन को लगेगा और एच प्लस यहाँ लग जाएगा, या फिर डिटेल को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ तो गाइस देख लेते हैं। एसिड का एच प्लस सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, फिर बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, CH2 इधर होगा, वो हम डिटेल में थोड़ा मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं, इसके बाद इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म लेने वाली, लेकिन पहले रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट कैसे करेंगे भाई, तो ये हमने अल्कीन लिया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपको बता दो अच्छे से, तो नाम है इसका आइसो 1 2 3, सेकंड नंबर के कार्बन पे एक CH3 आ गया इसलिए आइसो, चार कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए EN ही। तो गाइस नाम क्या है इसका, सेकंड नंबर के कार्बन पे एक CH3 आ गया इसलिए आइसो, चार कार्बन है इसलिए ब्यूट और डबल बॉन्ड है इसलिए EN ही। आइसोब्यूटीन का हमने एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कर रहे हैं,
जिसके अंदर मार्कोनिक ग्रुप से एडिशन हो जाएगी। निगेटिव पार्टी ऑफ वाटर का OH उस कार्बन को लगेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो गाइस जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो उसको निगेटिव पार्ट आपका OH लग जाएगा और यहाँ आपका पॉजिटिव पार्ट क्या लग जाएगा एच प्लस लग जाएगा। तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिलेगा देख लीजिए, CH3 CH2। अगर आप कह रहे हैं सर यहाँ निगेटिव पार्ट लग रहा है वाटर का, तो यहाँ निगेटिव पार्ट लगने के लिए यहाँ पहले पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी तो उसको जाके निगेटिव चार्ज लगेगा। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने के लिए डेफिनेटली ये बॉन्ड इधर ही शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा। और ये प्लस यानी कि कार्बोकटाइन, टर्शियरी कार्बोकटाइन है जो कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, और ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होने की वजह से रिएक्शन एक ही स्टेप में परफॉर्म होती है। इसलिए हम इस अल्कीन को भी कहते हैं कि ये थोड़ा सा रिएक्टिव अल्कीन है, क्योंकि डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है और साथ ही में अल्कीन आपका मोर स्टेबल इंटरमीडिएट आपका टर्शियरी कार्बोकटाइन बना के देता है। तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा गाइस, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आ जाएगा। माइनस के साथ तो आपका एच प्लस लग जाएगा और प्लस के साथ आपका OH लग जाएगा। माइनस के साथ अगर आपका एच प्लस लग जाएगा तो CH3 हो जाएगा या OH लग जाएगा, और इस तरीके से आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। और इस अल्कोहल का नाम बहुत अच्छे से जानते हो आप, इतने वाले ग्रुप को तो हमने लर्न किया हुआ था। सी के साथ 3 CH3 को हम कहते हैं टर्चरी ब्यूटाइल और OH लगा इसलिए अल्कोहल। सी के साथ 3 CH3 को हम कहते हैं टर्चरी ब्यूटाइल एंड OH लगा हुआ है इसलिए गाइस हम कहेंगे इसको अल्कोहल। ये टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो हमने अभी अभी ये रिएक्शन लिए गाइस, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी हम जानेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो बोर्ड में पूछा जाता है और एंट्रेंस वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैकेनिज्म पता होने चाहिए। अगर आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म पता नहीं, आपने हेलोरीन हेलो अल्केन के अंदर SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा होगा जो कि काफ़ी बेसिक मैकेनिज्म होता है। अभी उसके आगे का थोड़ा यहाँ से थोड़े बड़े बड़े मैकेनिज्म आना शुरू हो जाएगा। वैसे ये भी काफ़ी आसान मैकेनिज्म है, लेकिन इसके अंदर आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो गाइस मैकेनिज्म देख लेते हैं इसी रिएक्शन का, क्योंकि हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो इस रिएक्शन को मैं पहले लिख देता हूँ, अब मैं इस रिएक्शन को लिख दूंगा। मैंने रिएक्टेंट लिया हुआ CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका आइसोब्यूटेन। वाटर के साथ रिएक्शन करें, वाटर को मैं HOH लिख देता हूं, H+ OH-। एसिड के प्रेजेंस में यानी कि एसिड के कैटलाइज हाइड्रेशन हो रहा है, और अभी अभी आपने देखा कि क्या बना के देता है CH3 OH, यानी कि कौन सा अल्कोहल बना के दे रहा था गाइस, टर्शियरी अल्कोहल। अब इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे गाइस। देखो सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको बताया था एसिड का एच प्लस हमेशा इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो इलेक्ट्रॉन पाने के लिए एसिड का एच प्लस मैंने आपको बताया था या तो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा या फिर वो लोन पेयर लेने के लिए अटैक करेगा। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले जो आपका एसिड का एच प्लस है, ये जो आपका वाटर है, वाटर इस तरीके से होता है, आपका बेंड मॉलिक्यूल है। वाटर के ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर और दो क्या होती है, लोन पेयर। तो एसिड का एच प्लस गाइस यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या ले लेगा, लोन पेयर ले लेगा, क्योंकि वो खुद तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए यहाँ पे अटैक कर ले और फिर अपने को ये कंपाउंड बना के देगा। और यहाँ कितनी लोन पेयर रह जाएगी, एक, और इसके ऊपर प्लस चार्ज। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, तो एसिड के एच प्लस ने यहाँ अटैक करके लोन पेयर ले ली, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन ने, तो देने वाले पे प्लस चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन पे देखो एक लोन पेयर देने के बाद एक ही लोन पेयर बची हुई है, और साथ में लोन पेयर देने की वजह से यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की वजह से प्लस चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद एच प्लस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने पर उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, पहले उसके ऊपर प्लस था, प्लस माइनस एच प्लस का कैंसिल हो गया, अपने को कंपाउंड मिला H, यानी कि 3H है, O प्लस है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H3O+, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो क्या बना गाइस यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन। अब ये पहली स्टेप में ऐसा हुआ है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, फिलहाल हमारा मैकेनिज्म शुरू होने का ही है। जब हम एसिड ले लेते हैं डाइल्यूट वाला, तो उसके अंदर ही एसिड का एच प्लस वाटर के साथ रिएक्ट होकर कुछ ऐसे हाइड्रोनियम आयन बना देता है। हालांकि हाइड्रोनियम आयन उतने स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, उसके ऊपर प्लस नहीं माइनस आना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए, प्लस आने से वो उतना स्टेबल रहेगा नहीं। तो ध्यान देके देखेंगे, अब मैकेनिज्म शुरू करें उसका सबसे पहला स्टेप गाइज अभी ध्यान देके बढ़िया से देख लो। पहली स्टेप के अंदर क्या होने वाला है,
तो पहली स्टेप के अंदर पहले तो मैं बोर्ड को थोड़ा जगह कम होने की वजह से दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। देख लेते हैं पहली स्टेप में क्या होने वाला है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन के अंदर गाइस सबसे पहले देख लो क्या होता है, मैं लिखता हूं आपके सामने। अब ये एसिड के एच प्लस ने वाटर के ऊपर अटैक करके हाइड्रोनियम आयन बना दिया। अब ये हाइड्रोनियम आयन बन तो गया लेकिन ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है स्टेबल, मैंने अभी अभी आपको बताया हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया हुआ था, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आने से उतना स्टेबल होता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोनियम आयन है आपका, ये देखिए इसके पास एक लोन पेयर थी और साथ ही में कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज था इसके ऊपर। अब ये हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आने से स्टेबल तो बिल्कुल ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो एच प्लस उसने लिया था वो दोबारा वापस छोड़ देगा, मतलब अपना जो एच प्लस है वो वापस दे देगा। और किसको देगा, तो एच प्लस देने के लिए पहले ओ और एच का बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों ओ की तरफ शिफ्ट होगा, अगेन गाइज ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। और बॉन्ड अगर ओ की तरफ शिफ्ट होता है तो ओ के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और साथ में बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर आ जाएगी, यानी कि इधर क्या सेपरेट हो जाएगा आपका H2O। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यह माइनस चार्ज आ गया, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और साथ में बॉन्ड शिफ्ट होने से एक लोन पेयर और आ गई, एक पहले से थी तो दो दो लोन पेयर, और ये इधर निकल जाएगा ऐसा। फिर ये निकल गया इतना ग्रुप यानी कि वाटर निकल के चला गया, तो फिर बचा कौन आपका, यहां से एच प्लस निकलेगा। ये एच प्लस अगेन इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहां अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था डबल बॉन्ड शिफ्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो CH2 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, अगर इधर बॉन्ड शिफ्ट कर दिया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, प्लस मतलब ये प्लस कार्बन के ऊपर आ रहा है इसलिए कार्बोकोटाइन बनेगा, और ये कार्बन तीन कार्बन को लगा है इसलिए टर्शियरी कार्बोकोटाइन बनेगा जो कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। अगर गाइस ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देते इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करने से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, और ये कार्बन एक ही कार्बन को लगा इसलिए प्राइमरी कार्बोकोटाइन बनेगा। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट आपका टर्शियरी कार्बोकोटाइन होता है और वो बनाने के लिए रिएक्शन इस डबल बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट कर देगी। बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से देख लीजिए गाइस क्या हो जाएगा, तो अपने को CH3 CCH3 CH2 यहाँ आ गया माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। यहां माइनस आ गया तो माइनस के साथ ये H प्लस लग जाएगा, प्लस माइनस चार्जेस कैंसिल होके CH2 में अगर H जुड़ गया तो CH3 हो जाएगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करने से यहाँ प्लस आ गया, प्लस यानी कि कार्बोकोटाइन बना। अब ये कार्बोकोटाइन तीन कार्बन को लगा हुआ है इसलिए हम इसको कौन सा कार्बोकोटाइन कहेंगे, टर्शियरी कार्बोकोटाइन, जो कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकोटाइन में सबसे स्टेबल आपका टर्शियरी होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये पहला स्टेप हो गया जिसके अंदर क्या हुआ हम कहेंगे, अगर हमें यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है स्टेप वन में क्या हुआ, तो हम कहेंगे स्टेप वन के अंदर ये आपका हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन से H प्लस निकल के इस अल्किन के ऊपर अटैक करके उसने कार्बोकोटाइन बनाया, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोनियम आयन से H प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज यानी कि न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल गाइस इलेक्ट्रोफाइल राइट, तो हाइड्रोनियम आयन से आपका इलेक्ट्रोफाइल निकला और उसने इलेक्ट्रोफाइल निकल के इस अल्किन के ऊपर अटैक करके कार्बोकोटाइन बनाया। तो हम यहाँ स्टेप वन की डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे गाइस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन अल्किन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन अल्किन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकोटाइन। मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी कम है इसलिए आप चाहिए तो लिख लो, आप लिख लो इसको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन अल्किन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन अल्किन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकोटाइन। गाइस ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद गाइस दूसरी स्टेप के अंदर अभी हम बढ़ेंगे, तो दूसरी स्टेप के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या होगा। अब मैकेनिज्म में अक्सर याद रख लेना, पहली स्टेप के जो प्रोडक्ट होते हैं ज्यादातर वो दूसरी स्टेप के रिएक्टेंट होते हैं, पहली स्टेप के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो दूसरी स्टेप के रिएक्टेंट, और दूसरी स्टेप के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो तीसरी स्टेप के रिएक्टेंट, इस तरीके से कंटिन्यू होता है। तो पहली स्टेप का प्रोडक्ट है हमारा टर्शियरी कार्बोकोटाइन और आपको दिखाई दे रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो गाइस इसके अंदर देख लो स्टेप टू के अंदर क्या होने वाला है, ये CH3 CCH3 CH3 प्लस, ये आपका टर्शियरी कार्बोकोटाइन यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकोटाइन। ये पहली स्टेप का प्रोडक्ट, दूसरी स्टेप का गाइस क्या बनेगा, रिएक्टेंट। इसके अंदर वाटर आप देख लीजिए ध्यान से, वाटर के ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, यहाँ होगा क्या,
तो ये जो वाटर का ऑक्सीजन है अपनी लोन पेयर, वाटर का ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर सी प्लस को देगा, कार्बोकैटायन को। क्यों देगा? क्योंकि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी कि ये, मैं इसे इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकता हूँ। और ये वाटर का जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, यानी कि अपनी लोन पेयर डोनेट करके ये इसको स्टेबलाइज करेगा। अब देखो होता क्या, कभी कभी हम दूसरे का भला करने जाते खुद का नुकसान हो जाता है, कुछ इसी तरीके से वाटर के साथ यहाँ पे गाइस होने वाला है। वाटर अपनी लोन पेयर देके इसका भला करेगा। इसका भला करेगा मतलब क्या करेगा? तो ये देखिए कार्बन अभी तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड बना रहा है कार्बन, मतलब अभी ये छह इलेक्ट्रॉन के साथ, ये कार्बन छह इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कभी भी केमिस्ट्री में स्टेबल होती नहीं है, इसलिए आपका जो वाटर है वाटर अपनी लोन पेयर उसको दे देगा, और वाटर अपनी लोन पेयर देगा, वाटर का ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर देके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करके इसको स्टेबलाइज करेगा। लेकिन ऐसा करने से ये तो भलाई का ही काम कर रहा है, लेकिन भलाई का जमाना क्या रहा गाइस आजकल? तो ये वाटर अपनी लोन पेयर इसको दे देगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, लेकिन उसमें वाटर के ऑक्सीजन का क्या नुकसान होता है अभी हम देखते हैं। तो वाटर का ऑक्सीजन गाइस इसको अपनी लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं अभी क्या होने वाला है। ये सी एस थ्री और ये आपका प्लस इसको लोन पेयर देने वाला, अभी देख लेते कैसे देगा। मैं चाहिए तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया मतलब ये सी के साथ तीन सी एस थ्री, एक सी एस थ्री को मैंने नीचे लिख दिया ऐसे, और यहाँ वाटर का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया बकायदा। ये वाटर देखो H2, और ये हमारे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज था? प्लस। अब वाटर का ऑक्सीजन गाइस देख लो अपनी लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। ऑक्सीजन अगर अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो डोनेट करने के बाद आपको अच्छे से मालूम है ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और क्योंकि कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा? माइनस। कार्बन के ऊपर पहले था प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया गाइस? कैंसल। तो इस तरीके से एक कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड बना। कैसे बना गाइस? ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर इसको डोनेट की, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस आएगा। दो लोन पेयर थी, अभी कितनी लोन पेयर बची है? एक ही बची। और कार्बन के ऊपर पहले प्लस चार्ज था, लोन पेयर एक्सेप्ट करने से आया माइनस, प्लस माइनस हो गया कैंसिल। तो गाइस देखो भला किसका हुआ? कार्बन का हुआ, क्योंकि कार्बन के देखो अभी चार बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, कार्बन के चार बॉन्ड बनने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हो गया गाइस ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पहले अच्छा खासा स्टेबल था, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से वो स्टेबल रहेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं जिनकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है उनके ऊपर प्लस चार्ज आ गए तो वो स्टेबल होते नहीं है। इसलिए देखिए ऑक्सीजन ने भला तो कर दिया कार्बन का, इसका खुद का क्या हुआ? नुकसान हो गया। तो ऐसा सेकंड स्टेप था गाइस हमारे मैकेनिज्म का। सेकंड स्टेप को अगर हमें डिस्क्राइब करना है यहाँ पे क्या हुआ तो हम क्या कहेंगे, तो वाटर ने लोन पे डोनेट की, भाई डोनेट करने वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो वाटर ने लोन पे डोनेट की और डोनेट करने वाले को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। वाटर ने न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक किया कार्बोकैटायन के ऊपर ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब ये जो सेकंड स्टेप है इसका जो प्रोडक्ट मिला गाइस, ये हमारी तीसरी स्टेप का ऑब्वियसली क्या बनेगा? रिएक्टेंट, राइट। और तीसरी स्टेप तो आप समझ ही गए होंगे गाइस इसके अंदर क्या होने वाला है। इसके अंदर लास्ट स्टेप है हमारी मैकेनिज्म की, और इसके अंदर हमारा देखिए कैसे कंपाउंड बनता है। ये सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट जो है हमारी तीसरी स्टेप का रिएक्टेंट बना है, और इसके अंदर क्या होगा? यहाँ वाटर क्यों लिखा सर? वाटर के प्रेजेंस में क्यों रिएक्शन कर रहे हैं? भाई जो हम रिएक्शन कर रहे हैं ये पूरी, उसमें हमने डाइल्यूट एसिड लिया हुआ है। एसिड कैसा लिया हुआ है? डाइल्यूट एसिड कैसा लिया? डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड है। इसका मतलब हर बार वहां पे वाटर तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए आखिरी वाली स्टेप आप देखो, मैंने यहाँ पे स्पेशली उसको मेंशन किया क्योंकि उसका कुछ काम होगा यहाँ पे, इसलिए वाटर को दिखाया हुआ है। तो यहां से क्या होगा गाइस, यहां से लास्ट स्टेप में अगर देखा जाए तो वाटर का ऑक्सीजन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करके। आप बोलेंगे सर बॉन्ड इस तरफ ही क्यों शिफ्ट हुआ? आपको कारण अच्छे से मालूम है, एच और ओ में ओ की नेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड आपका ओ की तरफ शिफ्ट होगा, और ओ के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा गाइस? नेगेटिव आएगा। पहले कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। साथ में बॉन्ड शिफ्ट होने से ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर भी आ जाएगी, और यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। तो गाइस देख लीजिए तीसरी स्टेप में हमें क्या मिलता है, ये आपका CH3, ये बॉन्ड
इधर शिफ्ट होने से माइनस से आ जाएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, साथ में एक लोन पेयर आ गया, पहले एक थी और एक आ गई, ओ एच लिख दिया। और यहाँ से जो एच प्लस निकलेगा ये वाटर के साथ कंबाइन होगा, जैसे पहली स्टेप ने एच प्लस वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता था, हाइड्रोनियम आयन, तो इस तरीके से दोबारा वो हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो गाइज ये था हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रेशन ऑफ अल्कल, फॉर द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो गाइज इसके अंदर एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेता हूँ क्या क्या किया, आप ध्यान देके देख लो। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया हुआ आइसोब्यूटीन, इसका वाटर के साथ रिएक्शन किया एसिड के प्रेजेंस में, यानी कि डाइल्यूट एसिड हमने लिया हुआ है, ये टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। ये किस तरीके से रिएक्शन होती है हमने देखा है, हम देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले एसिड का जो एच प्लस है उसने वाटर के ऑक्सीजन की लोन पेयर ले ली, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस आया, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, और इस तरीके से कंपाउंड बनाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, उसके ऊपर पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज आना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए, अभी वो स्टेबल नहीं है। तो अभी यहाँ मैकेनिज्म चालू होगा, हाइड्रोनियम आयन जो है ये क्या बन के अटैक कर रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोनियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करेगा, क्यों, किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर। क्यों इलेक्ट्रोफाइल बन के, क्योंकि ये ओ और एच का बॉन्ड इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ से जो एच प्लस निकलेगा, एच प्लस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, वो इस हाइड्रोनियम आयन से आया है, मतलब हाइड्रोनियम आयन आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज से अटैक करवा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवा रहा है डबल बॉन्ड के ऊपर, अल्किन के डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक होगा, एच प्लस का बॉन्ड सी एस टू की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, इस माइनस के साथ एच प्लस लग जाएगा, सी एस टू का सी एस थ्री हो जाएगा, यहाँ प्लस बनेगा, यानी कि कार्बोकैटायन बनेगा। तो गाइस पहली वाली स्टेप में क्या होगा अगर अपने को कहना है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ किसका, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ हाइड्रोनियम आयन का ऑन अल्कीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो डिस्क्रिप्शन में लिखना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन अल्कीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले स्टेप के जो प्रोडक्ट होते हैं गाइस मैकेनिज्म में, सेकंड स्टेप के रिएक्टेंट बनेंगे, यहाँ पे देखना वाटर एंड कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए वाटर अपनी लोन पेयर उसको डोनेट कर रहा है, तो वाटर का ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर उसको डोनेट करके स्टेबलाइज करता है, तो वाटर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इसलिए वाटर न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करके इसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। ये अटैक होने के बाद गाइस आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन का तो हाल देख लो अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, उसके ऊपर पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आने से बिल्कुल भी वो स्टेबल रहेगा नहीं, इसने भला तो कर दिया कार्बन का, क्योंकि कार्बन के चार बॉन्ड हो गए, पहले तीन थे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, अब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेबल हुआ, लेकिन ऑक्सीजन का नुकसान हो गया, इसलिए इस नुकसान की भरपाई करने के लिए लाखरी वाला स्टेप है जिसके अंदर सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट तीसरे स्टेप का रिएक्टेंट बनेगा। इस स्टेप में सिंपली ओ और एच का बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि ओ की नेगेटिविटी ज्यादा है, इधर बॉन्ड शिफ्ट होने से माइनस चार्ज आएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा एच प्लस निकलेगा, वाटर के साथ एच प्लस कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से चार्जेस कैंसिल होकर एक लोन पेयर आ जाएगी और ये ओ एच अपने को मिलेगा, यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा। गाइस इस तरीके से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, अगली रिएक्शन अभी हम देखेंगे।